कि 25 केवीए से इधर का जो ट्रांसफार्मर होगा उसको प्राकृतिक वायु द्वारा शीतलीकृत करेंगे और 25 केवीए से 2 एमवीए तक तेल के द्वारा ठंडा करेंगे। ठीक है, किसके द्वारा? और 2 एमवीए से अधिक होगा तेल निमज्जित जल शीतलीकरण होगा। सही है। और जहां तेल नहीं अवेलेबल होगा, पानी नहीं अवेलेबल होगा, वहां वायु झोंका शीतलीकरण। यही ना मामला था। उसके बाद हम लोग आए थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर। ठीक है, कि किसी ट्रांसफार्मर में संधारित्र लोड, एक होता है कैपेसिटिव लोड, एक होता है रिएक्टिव लोड, एक होता है इंडक्टिव लोड। कैपेसिटर, रजिस्टर, इंडक्टर, तीन चीजें होती है, ध्यान दीजिएगा। एकदम आराम से चला। एक होता है कैपेसिटर, नाम सुने हैं, ये हो गया कैपेसिटर। एक होता है इंडक्टर, और एक होता है रजिस्टर। कैपेसिटर, इंडक्टर एंड क्या, रजिस्टर, ये तीन चीजें होती है। तो जब ये कैपेसिटर यूज किया जाता है ना, तो कैपेसिटर का काम है सर वोल्टेज को, इंडक्टर का काम है करंट कंट्रोल करना। करंट नियंत्रित करता अर्थात करंट को पीछे लाता, ये कुछ नहीं करता। और इसका काम है वोल्टेज को नियंत्रित कर। इसका काम है वोल्टेज को नियंत्रित करना, अर्थात वोल्टेज को किधर लाना, पीछे लाना। एक बात बताइए सर, किसी भी चीज को अगर आप नियंत्रित करते हैं, मतलब उसको पीछे लाते हैं कि उसको आगे ले जाते हैं? कहां ले जाते हैं? उसको पीछे ले जाते हैं। तो कहते हैं अगर आप वोल्टेज को नियंत्रित करते हैं, मतलब वोल्टेज को किधर ले जाते हैं, पीछे। और अगर आप करंट को नियंत्रित करते हैं तो करंट को किधर ले जाते हैं, पीछे। अब मामला क्या है कि अगर आप वोल्टेज को नियंत्रित करते हैं, किसको नियंत्रित करते हैं, तो वोल्टेज को किधर लाते हैं, पीछे। अगर आप करंट को नियंत्रित करते हैं तो करंट को किधर लाते हैं, पीछे। बोलन रे, तो वोल्टेज को नियंत्रित करेंगे वोल्टेज पीछे आएगा, करंट को नियंत्रित करेंगे करंट पीछे आएगा। तो जब पीछे आएगा तो बताओ एक्स एक्सिस पर इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव होता है, तो जब पीछे आएगा तो निगेटिव की पॉजिटिव। तो कहते हैं इसका मतलब कैपेसिटर वोल्टेज रेगुलेशन को ऋणात्मक करेगा कि धनात्मक करेगा। वही बात यहां लिखा हुआ है, किसी ट्रांसफार्मर में संधारित्र लोड यानी कैपेसिटिव लोड के लिए वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में फेराइट कोड क्रोड कोड ने क्रोड, ये जो हम आपको बोले थे सर, क्रोड किसका बना होता है, सिलिकॉन इस्पात का। क्रोड किसका बना होता है, ये जो क्रोड बना होता है ये सिलिकॉन इस्पात का बना होता है। किसका बना होता है मेरे दोस्त, क्रोड बना होता है सिलिकॉन इस्पात। कहते हैं उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में फेराइट क्रोड का प्रयोग किया जाता है। कौन क्रोड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें उच्च प्रतिरोध होता है, क्योंकि इसमें उच्च प्रतिरोध। तुमको क्वेश्चन खाली ये पूछेगा कि बताइए जब आवृत्ति अधिक होती है, जब आवृत्ति अधिक होती है तो किस क्रोड का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग कहेंगे किसका प्रयोग करते हैं, फेराइट। किसका प्रयोग करते हैं? अब वास्तव में ट्रांसफार्मर एक बूस्टर की तरह कार्य करता है। बूस्टर देखे हैं सर? नहीं, पहले के जमाने में एंटीना के साथ एक बूस्टर आता था जिसको हम लोग ऐसे ऐसे करते थे तो सर सिग्नल ठीक होता था। सिग्नल को रेगुलेट करने के लिए हम लोग बूस्टर यूज करते हैं, और यहां वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ट्रांसफार्मर एक प्रकार का बूस्टर, ट्रांसफार्मर को रेगुलेट करने के लिए बूस्टर, वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए बूस्टर, और सिग्नल को रेगुलेट करने के लिए
ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज रेगुलेट होता है और बूस्टर के द्वारा सिग्नल रेगुलेट होता है। क्या रेगुलेट होता है? बूस्टर के द्वारा क्या रेगुलेट होता है? सिग्नल। कहते हैं वास्तव में ट्रांसफार्मर एक बूस्टर की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? बूस्टर की तरह कार्य करता है। अब देखो स्टार स्टार ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए एक सिटी, सिटी बोले तो करंट ट्रांसफार्मर, सिटी बोले तो लगाया जाता है जो डेल्टा डेल्टा में जुड़ा हुआ होता है। आपको कहेगा बताओ स्टार स्टार ट्रांसफार्मर को अगर सुरक्षित रखना है उसके लिए करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है जो किस कनेक्शन में होता है? डेल्टा डेल्टा। स्टार और डेल्टा हम आपको पीछे पढ़ाए। ट्रांसफार्मर के साइज देखो, ट्रांसफार्मर का जो साइज होता है कि कौन सा ट्रांसफार्मर बड़ा है और कौन सा ट्रांसफार्मर छोटा है ये फ्रीक्वेंसी पर डिसाइड करता है। ट्रांसफार्मर का साइज व्युत्क्रमानुपाती होता है आवृत्ति के। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? ट्रांसफार्मर का साइज आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? आवृत्ति। फैन बंद कर दो तुम। ट्रांसफार्मर का जो साइज है ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ये ट्रांसफार्मर अगर आवृत्ति कम है तो साइज बड़ा होगा, अगर आवृत्ति ज्यादा है तो साइज छोटा, उल्टा होता है। ट्रांसफार्मर अगर हम कहेंगे कि 20 हर्ज आवृत्ति का है और 50 हर्ज आवृत्ति का है आज इतना ना खा लिए है ना, सुबह में खाए हैं 9 बजे और अभी तक भूखने लगा है, हमको लगता है आज पूरा दिन कुछ नहीं खाएंगे इतना खा लिया। खेवे किए ऐसा जगह एकदम से खाए हैं। मोरिया पटना जान रहे होटल मोरिया, सुबह गए घूमने, घूमने गए तो एक दोस्त मिल गया, वो बोला चलो नाश्ता करते हैं यहीं, तो गए ना तो बोला 760 रुपये में आप 120 तरह के चीजों को खा सकते हैं। बिहारी आदमी मां का पैसा वसूलने के चक्कर में जान दे दिए, जबकि एक एक ही खाए। रसगुल्ला आप जितना खा लो, जलेबी खा लो, कितने तरह के पकोड़े खा लो, जूस पी लो, उसके बाद मतलब क्या चिकन पकोड़ा, चिकन लॉलीपॉप, ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट, दूध, दही, मक्खन, पनीर, सब हाइजेनिक सलाद। हम गए ना तो आज ही का बात बता रहे, हम गए तो हम देखे वहां बड़े बड़े लोग थे, कपिल देव साहब आज रुके हुए थे। कपिल देव को जान रहे? अरे कपिल देव जो क्रिकेटर थे वो भी बगल वाले टेबल पे खाना खा रहे, वो बेचारे चना और मूंग खा रहे। हम लोग भाई बिहारी आदमी है, चना मूंग से जब चने मूंग खा के 750 देंगे खा रहे ना। हम मांग हम बोले दोबारा तिवारा, बोला जितना बार आप ले सकते। फर्स्ट राउंड में लिए ना, मतलब समझो एक एक करके लिए, तैयो हम 40 से ज्यादा टाइप नहीं खा पाए, थोड़ा थोड़ा एक एक बाइट। आऊं तो एक तो बर्बाद भी हुआ पेट तो इतना कि मतलब लग रहा है तभी से कि फूट के मर जाएगा। आप जोश में जान दे दिए, लेकिन वही बात अभी तुम ही लोग को अगर बैठा दिया जाए 760 रुपये में तुम जे ऑर्डर कर दो तुम्हारे सामने, हमको लगता है 200 से 250 हम करने खाए, 500 तो योग और सॉलिड बचे एक टेबल। और उसके बाद चाय सर कॉफी सर जूस कौन सा लेना पसंद करेंगे आप? लगता था आज हम कहाँ आ गए, यहाँ काम वाली का रोटी और चोखा खाते खाते हम परेशान। मतलब सैंडविचे था तो लगभग 8 प्रकार का सैंडविच था, ग्रिल्ड था तो कितना था, मतलब मछली का आइटम 7 गो था, क्या 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 जे तुम सोच सकता है, यहां से लेके और मकान के एंड तक बुफे लगा हुआ था और आपको जितना जो चीज चाहिए वो मिल रहा है। बड़ा अच्छा लगा, लेकिन लास्ट में लगा कि हम खा के कहीं मर न जाए, फिर हम छोड़ दिए। हाँ पहली बार, हाँ एकदम पहली बार गए, और हम पहला आदमी होंगे जो पूरा पैसा वसूल,
वहां तो मांग अमीर लोग जाते हैं, हम अभी ताजा अमीर बनवे किए हैं, तो हम सोचे चल जाते, वो होता है ना कि चलो यार मेरा पैसा कभी खर्चा नहीं होता है, पूरा के पूरा महीना में मेरा अपना पैकेट का खर्चा 2000 से 300 से बेसी नहीं, हमारे कोई खर्चे नहीं है खाने के, देयर इज नो एक्सपेंडिचर आफ्टर फूडिंग, कोई खर्चा, गाजा भांग दारू बियर ये सब पीते नहीं है, मछली जो बन गया तो खाए, नहीं बन गया तो नहीं खाए, कपड़ा उपड़ा एक बार लिए 6 महीना चलता है, 2-3 गो सेट ले लिए 6 महीना अपना चलते रहे, हम कभी सोचते रहते हैं कि हम खर्चा आज करें कुछ, डेली कमाते हैं आज कुछ खर्चा करते हैं, लेकिन जब जाते हैं देखते हैं जूता मगर हम 4000 कहते हैं 3 गो है छोड़ देते हैं, जाते हैं जींस खरीदने लगता है कितना का है भाई, तो कहता है 1800 का, हमको लगता है अभी तो काम चल ही रहा है, झूठे 1800 फंसा के क्या करेंगे लौट के चला, 4000 का नहीं आता, 1800-2000 का लेकिन आता ही, अभी चला हाथ से खर्चा हो नहीं पाता है, कितनों कोशिश करते हैं छोड़ने में फिर पकड़ के पहने, देखो तो कहते हैं हम कि अगर 20 हर्ज का है तो आवृत्ति कम है, आवृत्ति कम है तो साइज बड़ा, ठीक है, देखो क्या कहता है, कहता है ट्रांसफार्मर का साइज आवृत्ति पर निर्भर करता है, अर्थात यदि किसी ट्रांसफार्मर का आवृत्ति अधिक है तो उसका साइज क्या होगा, आप देखो पावर ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें, एक बात बताओ अगर फुल लोड है, क्या है सर फुल लोड है और पावर ट्रांसफार्मर, कौन ट्रांसफार्मर है फुल लोड है पावर ट्रांसफार्मर, इसका पावर ट्रांसफार्मर मतलब हैवी है, इसका मतलब आयरन लॉस जो होगा वो कॉपर लॉस के बराबर होगा, इसका मतलब दक्षता क्या होगी, आयरन लॉस जब कॉपर लॉस के बराबर होगा दक्षता महत्तम ना, क्षति क्षति न्यूनतम न रे, तो कहते हैं मेरे दोस्त कि फुल लोड पर शक्ति ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है अधिक, फुल लोड पर पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है अधिक, एक सोलेनोइड में 2 कुंडलियों का प्रयोग करता है, इनकी बाइंडिंग पुल इन और होल्ड आउट कहलाती है, अगर कोई सोलेनोइड है, सोलेनोइड उसे कहते हैं, ये अगर इस पर तुम कॉइल लपेट दिया और ये कुचालक है जिस पर तुम कॉइल लपेटा है, इसी को हम सोलेनोइड कहते हैं, तो कहता है अगर 2 बाइंडिंग है इस पे तो इसको एक को हम पुल इन कहते हैं और एक को हम होल्ड आउट कहते हैं, एक को क्या कहते हैं पुल इन और दूसरे को क्या कहते हैं होल्ड आउट, कहता है यदि 2 ट्रांसफार्मर समानांतर में प्रचालित हो, देखो अगर मान लो कि एक ट्रांसफार्मर ये है और एक ट्रांसफार्मर ये है, दोनों पैरेलल में संचालित हो रहा है, तो लोड जो आएगा वो दोनों पर बटेगा कि एक एक ऊपर बटेगा, हम बार बार कहते हैं सर एसी का जो लोड होता है उसको इंपीडेंस कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे दोस्त, इंपीडेंस कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं, एसी का जो लोड होता है उसे इंपीडेंस कहते हैं प्रतिबाधा कहते हैं, बोलो ना रे, और डीसी का जो लोड होता है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, डीसी का जो लोड होता है उसको हम क्या कहते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बोले तो प्रतिरोध, रेजिस्टेंस बोले तो प्रतिरोध, तो कहते हैं ई ट्रांसफार्मर एसी पर काम करता है कि डीसी पर, फिर हमें डाउट है ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है, डीसी देंगे तो जल जाएगा, डीसी देंगे तो क्या होगा, तो कहते हैं फुल लोड नहीं, यदि 2 ट्रांसफार्मर समानांतर में प्रचालित हो, समानांतर में प्रचालित हो, इसका जो इंपीडेंस होगा प्रतिबाधा होगा दोनों पे समान रूप से बटेगा कि अलग अलग बटेगा, यदि 2 ट्रांसफार्मर समानांतर में प्रचालित हो तो यह प्रति इकाई प्रतिबाधा के आधार पर लोड का सहभाजन करेगा, मतलब समान रूप से भाजित करेगा, अब कहता है समानांतर प्रचालन के लिए संभव 3 से 3 फेज ट्रांसफार्मर संबंध होता है, डेल्टा स्टार या स्टार डेल्टा यही दुगो हो सकता है और तीसरा कुछ हो सकता है, या तो प्राइमरी में डेल्टा होगा सेकेंडरी में स्टार होगा, या तो प्राइमरी में स्टार होगा तो सेकेंडरी में डेल्टा, ट्रांसफार्मर की रेटिंग आमतौर पर किसमें व्यक्त की जाती है, वोल्ट एम्पियर में,
व्यक्त की जाती है या किलो वोल्ट एम्पियर में भी। वोल्ट एम्पियर और किलो वोल्ट एम्पियर में क्या अंतर? कुछ नहीं, किलो के जगह खाली क्या रख देना है, 1000 वोल्ट एम्पियर को हम लोग क्या कहते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर। 1000 वोल्ट एम्पियर को हम लोग क्या कहते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर। 1000 वोल्ट एम्पियर है ना, इसी को हम लिख देंगे क्या, के वी ए। इसी को हम क्या लिख देंगे मेरे दोस्त, के वी ए। कहता है स्टील लेमिनेशन का प्रयोग तथा सिलिकॉन अंश नियंत्रित करके ट्रांसफार्मर के हिस्टेरेसिस हानि को क्या कर सकते हैं कम। एक बात बता, लेमिनेशन करो या सिलिकॉन का कंट्रोल अच्छे से रखो, सिलिकॉन प्रॉपर मात्रा में दो, तो सिलिकॉन या लेमिनेशन किस, सिलिकॉन किस में होता है, सिलिकॉन इस्पात क्रोड में कि कॉपर में, क्रोड में, और लेमिनेशन भी किस में होता है, क्रोड में। तो जब दोनों काम तुम कर दोगे तो लॉस को कम कर लोगे कि बढ़ा लोगे, हिस्टेरेसिस लॉस को कम कर लोगे। ईडी धारा क्षति तो गर्म होने से ना होता है, तो कहता है हिस्टेरेसिस हानि को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। किसी ऑटोमोबाइल में इग्निशन, इग्निशन कॉइल समझते हो, नहीं समझते हो, इग्निशन कॉइल होता है, इग्निशन का मतलब होता है जलना, इग्निशन मतलब, इग्निशन मतलब क्या, इग्निशन मतलब चला, जितना बार तू कहेगा ना उतना, जिसके पास ही तो लाइव में है, जो लोग ऑनलाइन है वो तो वीडियो से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग यहाँ ऑफलाइन में है वो जितना बार चाहे बैच को कर सकते हैं, फिर आएगा बैच, फिर तू पढ़ सकता है, तेरा कोई नहीं भगाए। लेकिन समझने की कोशिश, एक बार थियो ने लेंगे, कार्ड संभाल के रखेगा, फिर तुरा में अलाउ कर देंगे, लेकिन पढ़ने की कोशिश करो, ना तो मामला हो जाएगा, समझने की कोशिश करो, धीरे धीरे समझ में आएगा। एक होता है इग्निशन, इग्निशन का मतलब होता है जलना, जैसे स्पार्क प्लग देख रहे हो, स्पार्क प्लग, अरे स्पार्क प्लग नहीं जानता है, अरे यार प्लग जानता है, प्लग को ही स्पार्क प्लग कहते हैं, जो बाइक में रहता है पुराना वाला राजदूत में जो लगा होता है, तो वो जो स्पार्क प्लग होता है उसमें हाई वोल्टेज रहेगा तब ज्यादा स्पार्क होगा कि लो वोल्टेज होगा तब। इग्निशन मतलब होता है जलना, जलेगा कब, जब वोल्टेज हाई होगा, अब वोल्टेज हाई कब होगा, जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे। वोल्टेज हाई कब होगा, वोल्टेज हाई कब होगा, जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे। वोल्टेज हाई कब होगा, जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते। कहता है आजकल पावर ट्रांसफार्मर में नहीं, किसी ऑटोमोबाइल का इग्निशन क्वाइल मतलब जलाने वाला क्वाइल स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है, क्योंकि उसमें वोल्टेज ज्यादा मिलेगा तभी ना जलेगा। अब कहता है आजकल शक्ति ट्रांसफार्मर, शक्ति ट्रांसफार्मर मतलब पावर ट्रांसफार्मर, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, पिछला बार ये पूछा था इसका फुल फॉर्म सीआरजीओ। सीआरजीओ क्या है सर, जितना भी पावर ट्रांसफार्मर है उसमें हम सीआरजीओ का प्रयोग करते हैं। नई टेक्निक है लेमिनेशन की, किसकी सर, ये लेमिनेशन की नई टेक्निक है। लेमिनेशन की न्यू टेक्निक है सीआरजीओ, जिसको हम लोग कहते हैं कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, क्या कहते हैं इसको सर, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, सीआरजीओ टेक्निक। ये लेमिनेशन करने की नई टेक्निक है जो पुराने टेक्निक से अच्छी है। तो तुमको क्वेश्चन पूछा जाएगा पावर ट्रांसफार्मर में लेमिनेशन किसके द्वारा होता है, तो हम कहेंगे किस टेक्निक, सीआरजीओ टेक्निक के द्वारा। कहता है आजकल शक्ति ट्रांसफार्मर में कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड लेमिनेशन का प्रयोग अधिकतर किया जाता, ये पुरानी टेक्निक से अच्छी है, इसीलिए हम लोग अब कहेगा तुमको फुल फॉर्म पूछ देता है सीआरजीओ, या कहेगा अब आजकल नए ट्रांसफार्मर जो पावर ट्रांसफार्मर है उसमें किस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, कहेंगे सीआरजीओ। ट्रांसफार्मर की शक्ति गुणक, इस हम आगे आपको पढ़ाने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं पावर फैक्टर, आगे एक चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट एंड पॉलीफेज सिस्टम, उसमें पढ़ाएंगे हम।
पावर फैक्टर सदैव उस पर लगी मशीनों या अन्य लोड पर निर्भर करता है। एक लाइन का बात ही समझो कि कोई भी मशीन का पावर फैक्टर बढ़िया तो सब कुछ बढ़िया, पावर फैक्टर खराब तो सब कुछ खराब। एक लाइन का मतलब ही समझो, पावर फैक्टर बढ़िया तो सब कुछ बढ़िया, पावर फैक्टर खराब तो सब कुछ खराब। कहते हैं ट्रांसफार्मर का शक्ति गुणक यानी पावर ट्रांसफर पावर फैक्टर सदैव उस पर लगे मशीनों के अन्य लोड पर निर्भर करता है। एक बात बताओ, किसी भी मशीन पर लोड बढ़ा दोगे तो उसकी क्वालिटी घटेगी कि बढ़ेगी? घट जाएगी। बहुत ज्यादा लोड बढ़ा दोगे क्वालिटी और घटेगी। तो क्वालिटी मतलब यहां सीधा संबंध किससे है? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का हिंदी क्या होता है? शक्ति गुणक। कहता है ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर सदैव उस पर लगी मशीनों या अन्य लोड पर निर्भर करता है, जबकि प्रेरण मोटर जो कि आगे हम आपको पढ़ाएंगे, एक चैप्टर है इंडक्शन मोटर का निर्धारण सदैव किलो वाट या एचपी में लिखा जाता है, क्योंकि उनका शक्ति गुणक स्वयं उनके अपने लोड पर निर्भर करता है। आप बोलोगे कैसे? ट्रांसफार्मर से पंखा, रेडियो, टीवी, हीटर जुड़ा होता है, लेकिन मोटर से कुछ जुड़ा होता है? ओकर काम है पानी खींचना बाहर। ओकर जे पावर फैक्टर है, ओकर जे गुणवत्ता है, ओकर खुद के लोड पर निर्भर करता है। जबकि ट्रांसफार्मर का जो गुणवत्ता है वो उससे जुड़े लोड पर निर्भर करता है। अरे मोटर से कोई लोड जुड़ा हुआ होता है? मोटर का खुद का लोड होता है, बोलो ना। लेकिन ट्रांसफार्मर का खुद का लोड, इसका जो पावर फैक्टर होता है ये खुद के लोड पर निर्भर नहीं करता, इससे जुड़े लोड पर निर्भर करता है। जबकि मोटर का जो पावर फैक्टर होता है वो उसके खुद के लोड पर निर्भर करता है। पावर फैक्टर क्या है? एक प्रकार की क्वालिटी मानक है। पावर फैक्टर बढ़िया तो सब कुछ बढ़िया, पावर फैक्टर खराब तो सब कुछ खराब। ट्रांसफार्मर पर खुले परिपथ परीक्षण द्वारा क्रोड या लो हानियां तथा लघु परिपथ परीक्षण द्वारा कौन हानियां सामने पीछे हम बताए हैं आप। एक था खुला परिपथ परीक्षण, एक था बंद यानी शॉर्ट सर्किट परीक्षण। शॉर्ट सर्किट में सेकेंडरी कम वोल्टेज वाला को शॉर्ट सर्किट करते हैं कि ज्यादा वोल्टेज वाला? वेरी गुड। और ओपन सर्किट में किसी को भी कर लो। तो कहते हैं ट्रांसफार्मर के खुले परिपथ परीक्षण द्वारा क्रोड, क्रोड बोले तो लोह ना, क्रोड लोहा का बना होता, सिलिकॉन इस्पात का, क्रोड या लोह हानि तथा लघु परिपथ परीक्षण द्वारा कौन हानि? ताम्र हानि ज्ञात किया जाता है। ट्रांसफार्मर हेतु एक अच्छे विद्युत रोधी तेल का न्यूनतम फ्लैश बिंदु, फ्लैश का मतलब होता है आग लगने वाला बिंदु, फ्लैश बिंदु मतलब आग। जो तेल हम लोग यूज करते हैं चला, वो कम से कम 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसमें आग नहीं लगेगा। अगर अच्छा तेल होगा 140 को पार करेगा तो उसमें क्या लग जाए? आग। अब कहता है 10 मेगा वोल्ट एम्पियर, 10 मेगा वोल्ट एम्पियर। आज सर हम इसको खत्म ही करेंगे, फिर अगली क्लास में रिवीजन करेंगे, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन की दुनिया में चलेंगे, ठीक है? लेकिन धीरे धीरे चला समझ में आएगा। हम बार बार कह रहे हैं हमारा लग गया 4 साल, तो हम धीरे धीरे सीखे। 4 साल तो पढ़े, फिर 2 साल मास्टर्स किए, 6 हुआ, और 7 साल से पढ़ा रहे, कितना हो गया? 13। तुम्हारे तो 13 दिन नहीं हुआ। धीरे धीरे सीखोगे। ये ट्रेड ऐसा चीज है चला जी, अकेले तोरा नौकरी दिला सकता है। ट्रेड में खाली पास कर गया तो ड्राइवर का कट ऑफ होता है 54 नंबर, 45 नंबर, 65 नंबर, 100 में 50, 55, 60 नंबर ले आओगे नॉन टेक में तो तुम्हारा काम हो जाएगा। पीटी में 5 नंबर, पीटी निकालने के लिए 100 में 5 नंबर। हाँ? लड़की को कोई रिजर्वेशन नहीं, गर्ल्स डज नॉट हैव अ रिजर्वेशन। 100 में 5 नंबर पिछले बार का कट ऑफ। हाँ? मिनिमम, कोई मिनिमम, बाद में बच्चे ने पूरा था JITI की। हम सोच रहे हैं इस पर एक वीडियो बना दे, मात्र 10 सेकंड नहीं, वो 10 सेकंड का वीडियो बनाए कि ALP का PT का कट ऑफ पिछले बार का 5 नंबर था,
आउट ऑफ 100, क्या आप ये जानते हैं? हाँ, पिछले बार का तुमको नहीं पता 5 नंबर कट ऑफ था, तो जगरा 5 नंबर आया था ना ओकरो रिजल्ट, 6 नंबर 5 नंबर वाला रिजल्ट था, बच्चे नहीं था उपलब्ध, 11 नंबर वाला था ना, कोई तुम्हारे जान पहचान का है? कितना नंबर था? देखो आज वो बनाते हैं, ये वीडियो बनाते हैं एएलपी टेक्नीशियन के बारे में, एक ऐसा फैक्ट जो आपके दिमाग को हिला देगा, समझा? आप छोड़ देंगे, अब मात्र 15 सेकंड का वीडियो हो क्या रे, अभी यहां से जाएंगे तो वही कारनामा करने वाले, अब तुम सोचो लोग का दिमाग नहीं हिल जाएगा? पिछले बार का कटअप तुम जानते हैं किसी को कितना नंबर था? 17 था ना, हम जानते हैं जगह 6 नंबर था, एएलपी सीबीटी 1, ठीक है? इसलिए कृपया मेंस पे ही फोकस करें, क्योंकि बच्चे नहीं पुरता है, चला तुरा लगता है लगभग जकर आईटीआई है उस सब का रिजल्ट हो जाता, कंडीशन सप्लाई, ट्रेड को अच्छे से पढ़ना होगा, फिजिक्स को अच्छे से पढ़ना होगा, बाकी तो और सब पढ़ा, ठीक है? अभी यहां से उतर, मतलब हम सोच रहे हैं कब वीडियो बना के छोड़ दें, लड़का एक बार ऐसा फैक्ट जो आपके दिमाग को हिला के रख देगा, थंबनेल यही रहेगा, ठीक है? 10 MVA मेगा वोल्ट एम्पियर तक की रेटिंग के पावर, किसी से भी पूछोगे आप फेल किसमें किए, आपको नौकरी क्यों नहीं हुआ एएलपी में, वो कहेगा ट्रेड में फेल कर गए, ठीक है? अली दिखा देंगे, ट्रेड के लिए हमारी 2 पुस्तकें आ गई हैं आपके लिए, समझा? 10 MVA तक की रेटिंग के पावर ट्रांसफार्मर के शीतलन हेतु प्राकृतिक वायु शीतलन रेडिएटर सिस्टम के साथ प्रयोग किया जाता है, जबकि 30 MVA व उससे अधिक रेटिंग वाले पावर ट्रांसफार्मर OFAF यानी ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड कूलिंग का प्रयोग किया जाता है, कुछ नहीं है। 10 MVA तक का रहेगा मेरे दोस्त, तो पावर ट्रांसफार्मर के शीतलन हेतु वायु शीतलन रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है, इससे 30 MVA व उससे अधिक होगा तो उसके लिए हम ऑयल फोर्स्ड या एयर फोर्स्ड का उपयोग करते हैं, मतलब ऑयल को या तो फोर्सफुल्ली डालेंगे चैम्बर में या एयर को फोर्सफुल्ली डालेंगे, डेटा है और कुछ खास नहीं है। उपभोक्ता से सीधे जुड़े ट्रांसफार्मर को कौन ट्रांसफार्मर, जैसे अभी जो तुम ले रहे हो, अभी यहां जिस रूम, इस रूम में जो आया है ट्रांसफार्मर से कनेक्शन, बोलो ना, वो जो ट्रांसफार्मर होगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर या वितरण ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। कौन ट्रांसफार्मर कहता है? आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है जगह दोनों क्वाइल एक दूसरे से सेपरेट रहता है, जिसको आप म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। आइसोलेशन का मतलब अलग, अरे COVID-19 में नहीं कहता आइसोलेशन वार्ड, मतलब अलग वार्ड। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का घुमाव अनुपात 1:1 होता है, क्योंकि इसमें N1 बराबर क्या होता है, मतलब अगर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर एक स्पेशल ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी में फेरों की संख्या बराबर सेकेंडरी में फेरों की संख्या, जो वोल्टेज को घटाता बढ़ाता नहीं। फिर कहता है टॉन्ग टेस्टर, एसी वोल्टेज और करेंट, डीसी वोल्टेज, प्रतिरोध, निरंतरता और इंसुलेशन को मापता है। ई टॉन्ग टेस्टर एक प्रकार का टेस्टर है जो इन सब चीजों को नापता है, इस हेतु आमीटर के साथ धारा ट्रांसफार्मर का भी प्रयोग किया था। आमीटर के साथ जब भी लगाएंगे क्या लगाएंगे, करंट ट्रांसफार्मर, अब वोल्टमीटर के साथ वोल्टेज ट्रांसफार्मर, अरे सीटी पीटी पढ़ाए थे ने? बोलवे नहीं करे, पीछे पढ़ाए करंट ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर, आमीटर के साथ करंट ट्रांसफार्मर, वोल्टमीटर के साथ वोल्टेज ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, सीटी पीटी पीछे पढ़ाए हैं। फिर कहता है वोल्टेज नियामक यानी वोल्टेज रेगुलेशन पावर फैक्टर के अग्रगामी होने पर कम व ऋणात्मक हो जाता है। जैसे सर कहता है वोल्टेज का जो रेगुलेशन होगा, वोल्टेज रेगुलेशन मतलब अप डाउन उसी को हम रेगुलेशन कहते हैं, दिए हटाए दैट इज रेगुलेशन, कम किए ज्यादा किए फिर कम किए, वोल्टेज रेगुलेशन पावर फैक्टर के अग्रगामी होने पर, अग्रगामी पावर फैक्टर का मतलब हुआ बहुत बढ़िया, पश्चगामी पावर फैक्टर का मतलब हुआ खराब, पश्च मतलब पीछे ना दे,
अग्रगामी पावर फैक्टर होने पर कम हुआ ऋणात्मक हो जाता है और प्रत्यक्ष रूप से पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता बंद व खुले परिपथ परीक्षण के माध्यम से ज्ञात की जाती है। अभी हम तरह बोले कि परीक्षण दो प्रकार का होता है, एक खुला परीक्षण, एक शॉर्ट सर्किट करने का मतलब हुआ बंद परीक्षण, ड्यूएवन टेस्टिंग है। ओपन सर्किट टेस्ट जब करेंगे तो प्राइमरी सेकेंडरी किसी को भी कर देंगे, और जब बंद सर्किट परीक्षण करेंगे तो लो वोल्टेज वाला को करेंगे। बोलो नी कहता है संप्रेषण लाइनों में जो ट्रांसमिशन लाइन है हमारे घरों तक जो आता है उसी को संप्रेषण लाइन कहते हैं। कि उपस्टेशन, उपस्टेशन मतलब अभी जिस स्टेशन से हमारे तक करंट आया है उसको हम उपस्टेशन कहते हैं, और जहां जनरेट हुआ होगा उसको हम मेन स्टेशन कहते हैं। बोलो नी कहता है संप्रेषण लाइन के उपस्टेशन छोरों हेतु त्रिकला, त्रिकला मतलब थ्री फेज, त्रिकला मतलब थ्री फेज ट्रांसफार्मर में डेल्टा डेल्टा आबद्ध का प्रयोग किया जाता है। यानी अभी जो हमारे पास आया है सब सब स्टेशन से करंट वोल्टेज वो किस किस श्रेणी से आया है, डेल्टा डेल्टा से आया है। किससे आया है? कथा आसमानी बिजली गिरने से होने वाली क्षति से ट्रांसफार्मर को बचाने के लिए किसका उपयोग किया था? नामे लाइटनिंग मतलब बिजली, एरेस्टर मतलब कवर, जैसे हम तुमको अरेस्ट कर लिए मतलब कंट्रोल कर लिए, तो लाइटनिंग को अरेस्टर व हॉर्न गैप का उपयोग किया जाता है। तुमको क्वेश्चन पूछेगा बिजली चमकता है उससे बचाने के लिए ट्रांसफार्मर में किसका उपयोग करते हैं, तो कहेंगे लाइटनिंग अरेस्टर या हॉर्न गैप का प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर में लघु पथ मतलब छोटा पथ परीक्षण द्वारा, नहीं लघु पथ मतलब शॉर्ट सर्किट, लघु पथ मतलब शॉर्ट सर्किट परीक्षण द्वारा समतुल्य प्रतिरोध व क्षरण प्रतिघात को भी ज्ञात किया जाता है। समतुल्य प्रतिरोध मतलब हो गया कुल प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध मतलब कुल प्रतिरोध, क्षरण का मतलब होता है नष्ट होना, क्षरण प्रतिघात, प्रतिघात मतलब होता है इंपीडेंस, इंपीडेंस का मतलब प्रतिरोध, नष्ट होने वाले प्रतिरोध को भी ज्ञात किया जाता है। ट्रांसफार्मर में गुंजन रव का मुख्य कारण चुंबकीय विरूपण है। ये गुंजन रव क्या है? इसर एक इंस्ट्रूमेंट है जो चुंबक को, चुंबक को डिसोसिएट करता है, डिसोसिएट मतलब अलग करता है, डिसोसिएट करता है मतलब क्या करता है, अलग करता है। एक लाइन वहां पर लिख लो, गुंजन रव एक इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रांसफार्मर को डिसोसिएट करता है, हॉर्न गैप भी एक इंस्ट्रूमेंट है, गुंजन रब चुंबक के को डिसोसिएट करता है, डिसोसिएट मतलब अलग करता है। अभ्रक उष्मा का सुचालक है कि कुचालक? वेरी गुड। कहता है लघु ट्रांसफार्मर मतलब छोटे ट्रांसफार्मर में, लघु ट्रांसफार्मर मतलब छोटे ट्रांसफार्मर में अंतर परत मतलब लेमिनेशन, अंतर परत मतलब लेमिनेशन सुचालक का करते हैं कुचालक का, कुचालक का ना, अंतर परत इंसुलेशन हेतु किसका प्रयोग करते हैं? अभ्रक। देखो अब पहली बार में थोड़ा सा तुमको टफ लगेगा लेकिन हम एक बार रिवाइज कर देते हैं फिर समझने की कोशिश करना। देखो बता, संधारित्र लोड निगेटिव में ले जाएगा कि पॉजिटिव में ले जाएगा? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में क्रोड किसका होता है, किसका होता है? क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। वास्तव में ट्रांसफार्मर एक प्रकार का क्या है? बूस्टर। जैसे बूस्टर सिग्नल को कंट्रोल करता है वैसे ही ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कंट्रोल करता है। क्लियर है? स्टार स्टार ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए करंट ट्रांसफार्मर लगाया जाता है जो कौन से क्रम में होता है? डेल्टा। स्टार स्टार की सुरक्षा डेल्टा डेल्टा करेगा और डेल्टा डेल्टा की सुरक्षा स्टार स्टार। ट्रांसफार्मर का साइज किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति। आवृत्ति कम होगा तो साइज अधिक होगा, आवृत्ति अधिक होगा तो साइज। फुल लोड शक्ति ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिक,
क्योंकि फुल लोड पर सर आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर होगा, जिसके कारण दक्षता क्या होगी अधिक। एक सोलेनाइड में दो कुंडलियों का प्रयोग करते हैं, इनकी बाइंडिंग एक होती है पुल इन और एक होता है होल्ड। यदि दो ट्रांसफार्मर समानांतर में प्रचालित होगा तो बताओ जो लोड आएगा दोनों पर समान रूप से बटेगा, सहभाजन समान रूप से होगा कि अलग अलग होगा? सर दोनों ट्रांसफार्मर समानांतर में कब चलेगा? जब दोनों का वोल्टेज समान होगा, दोनों का प्रतिबाधा समान होगा, दोनों का फेज अनुक्रम समान होगा, सब कुछ समान होगा, तभी ना पैरेलल में चल सकता है। समानांतर प्रचालन के लिए संभव थ्री फेज ट्रांसफर, तीन से तीन फेज ट्रांसफार्मर संबंध होगा, डेल्टा स्टार से स्टार डेल्टा। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को आमतौर पर किसमें व्यक्त करते हैं? वोल्टेज में। स्टील लेमिनेशन का प्रयोग तथा सिलिकॉन अंश नियंत्रित करने पर हिस्टैरिसीस हानि कम होगा कि ज्यादा? किसी ऑटोमोबाइल में बताओ, स्टेप इग्निशन के लिए स्टेप अप की स्टेप डाउन? क्यों स्टेप अप? क्योंकि वोल्टेज ज्यादा चाहिए। आजकल शक्ति ट्रांसफार्मर में किस लेमिनेशन का प्रयोग करते हैं? सीआरजीओ, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड लेमिनेशन का प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर की शक्ति गुणक सदैव उस पर लगी मशीनों या अन्य लोड पर निर्भर करता है, लेकिन मोटर का जो पावर फैक्टर होता है वो उसके खुद की क्षमता खुद के लोड पर निर्भर करता है। ट्रांसफार्मर में खुला परिपथ परीक्षण किसका होगा? खुला परिपथ परीक्षण मतलब करंट का प्रवाह होगा रे? करंट का प्रवाह नहीं होगा तो आयरन लॉस में निकाल सकता है तुम। बंद परिपथ परीक्षण होगा तो करंट का प्रवाह होगा, तब कॉपर लॉस निकाल लेंगे, बोलवे नहीं करें। अब बंद परिपथ परीक्षण में लो वोल्टेज वाले को शॉर्ट करेंगे कि हाई वोल्टेज वाले? ट्रांसफार्मर हेतु अगर आग लगेगा, अच्छा तेल अगर होगा तो उसका फ्लैश बिंदु यानी आग लगने का टेम्परेचर कितना डिग्री से? 10 MVA से अधिक रेटिंग वाले पावर ट्रांसफार्मर वायु शीतलक रेडिएटर और 30 MVA से अधिक रेटिंग वाले पावर ट्रांसफार्मर ऑफ OFAF ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड कूलिंग का प्रयोग करते हैं। उपभोक्ता से सीधे जुड़े ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं? वितरण ट्रांसफार्मर। और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर होता है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी में फेरों की संख्या समान होती है, यानी 1:1। और टॉन्ग टेस्टर इस सब चीजों को नापता है, कुछ खास नहीं है। वोल्टेज रेगुलेटर में पावर फैक्टर अग्रगामी होने पर कम व ऋणात्मक हो जाता है और पश्चगामी होने पर धनात्मक हो जाता है। इसको लेकिन और डिटेल में हम अल्टरनेटिंग करंट पॉलीफेज सिस्टम चैप्टर में पढ़ाएंगे। और प्रत्यक्ष रूप से पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता बंद व खुला परिपथ परीक्षण के माध्यम से ज्ञात की जाती है, सही बात है? या तो क्लोज टेस्ट परीक्षण होगा या ओपन टेस्ट। कहता संप्रेषण लाइनों में उप स्टेशन छोरों हेतु थ्री फेज ट्रांसफार्मर कौन से क्रम में होता है? आसमानी बिजली के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? उसको बचाने के लिए, क्षति को बचाने के लिए लाइटनिंग अरेस्टर और हॉर्न गैप। बगल में चला पोल जो होता है ना, पोल में एक रॉड रहता है, वो इसी को लाइटनिंग अरेस्टर कहते हैं, कॉपर का होता है। जैसे तड़ी चालक के लिए हम लोग कॉपर का प्लेट यूज करते हैं, वही होता है। ट्रांसफार्मर में लघु पथ परीक्षण समतुल्य प्रतिरोध व क्षरण प्रतिरोध को भी ज्ञात करता है। गुंजन रव का काम क्या है? चुंबकीय विरूपण उत्पन्न करना। लघु ट्रांसफार्मर में अंतर परत इंसुलेशन किसका होता है? अब्रप्त। किसका होता है? किसका होता है बताओ? शॉर्ट सर्किट परीक्षण जो होगा उसमें लो वोल्टेज वाला को शॉर्ट सर्किट करेंगे, कहा ऐसे कॉपर लॉस निकलेगा। ओपन टेस्ट परीक्षण अगर होगा तो आयरन लॉस निकलेगा, बोलो ना। अगर लघु ट्रांसफार्मर में आंतरिक रूप से लेमिनेशन करना है तो किसका करेंगे? अब्रक का। किसका करेंगे? किसका? किसका? 25 KVA से कम होगा तो वायु शीतलन, 25 KVA से 2 MVA होगा ऑयल शीतलन, 2 MVA से अधिक होगा तो ऑयल निमज्जित जल शीतलन, और उससे जहां पर ये जल और वायु नहीं तेल नहीं मिलेगा वहां वायु शीतलन, वायु झोंका शीतलन। बोलो मैया देखो क्वेश्चन बनाओगे ना पट पट बनेगा। बखोज रिले में माल फंक्शन होता है, ये आगे बात करेंगे इस पर और थोड़ा चर्चा करेंगे, तब धीरे धीरे बनाएंगे। निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर प्रतिस्थापन में प्रयोग नहीं करते? ये होगा बता, एक एक करके बात करेंगे, ठीक है? निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर के प्रतिस्थापन में प्रयोग नहीं होता? उत्तेजक, कंजर्वेटर, ब्रीदर, बखोज रिले, बता क्या होगा? अरे उत्तेजक का प्रयोग ही नहीं होता ट्रांसफार्मर, कहीं सुना है उत्तेजक? पढ़े वो नहीं के
तो फिर से एक बार रिवीजन करेंगे और फिर से हम लोग इसको क्वेश्चन के सॉल्विंग की दुनिया में चलेंगे। जिनका नया क्लास है, दो क्लास के बाद अपना क्लास स्टार्ट करेंगे, दो या तीन क्लास के बाद, यानी एक सप्ताह के बाद नया चैप्टर स्टार्ट होगा तब तो।